हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद में ब्लॉग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे वैसे ही दिखाना जैसे आप हर वीडियो में दिखाते हो। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग हम शिमला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अदर डिस्ट्रिक्ट में बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में बने रहना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और इस तरह की और भी खूबसूरत वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम अश्वनी खड्ड पर बनाने जा रहे हैं, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और शिमला से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये जो आप लेफ्ट साइड में रोड देख पा रहे हैं, इसी रोड में हम जाएंगे और यही रोड जाता है अश्वनी खड्ड के लिए, और कुछ ही देर में हम आपको अश्वनी खड्ड की खूबसूरती दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अश्वनी खड्ड के कार पार्क में। यहां पर आप बाइक या कार पार्क कर सकते हैं और यहां से ऊपर आप पैदल ही ट्रैक करेंगे। दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है अश्वनी खड्ड का पार्क। अश्वनी खड्ड में आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी प्यारी चित्रकला देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी शेर की चित्रकला बनाई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर टूरिस्ट लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये पार्क दोस्तों बहुत ही सुंदर और हरा भरा है। देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी इमारत है। तो दोस्तों, जब भी आप अश्वनी खड्ड का विजिट करें तो प्लीज यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और यहाँ के फूल ना तोड़ें। ये देखिए दोस्तों, अश्वनी खड्ड का हरा भरा प्यारा सा और सुंदर सा पार्क है। देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत जगह है, और यहाँ का मंदिर भी बहुत ही प्यारा है। दोस्तों, अश्वनी खड्ड की खास बात यह है, यहाँ पर चारों तरफ हरे भरे और प्यारे से पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, छोटे भाई भाग गया, बोल रहा भाई जी मेरे को भी वीडियो में लाओ। मैंने कोई सी नहीं भाई जी, आजा वीडियो में, तू भी कर ले अपनी मन की इच्छा पूरी। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अश्वनी खड्ड के ग्राउंड में। यहाँ का ग्राउंड भी बहुत सुंदर है। देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी जगह है। दोस्तों, जो भाई लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भाई की दुआ लगेगी। वाओ, कितनी सुंदर प्रतिमाएं। दोस्तों, इस पूरे ग्राउंड में अनेक प्रकार की प्रतिमाएं मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर हरे भरे लहराते हुए पेड़ पौधे हैं। ये है दोस्तों अश्वनी खड्ड का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये है दोस्तों अश्वनी मंदिर के सामने का व्यू। यहाँ पर कई महात्माओं की अद्भुत चित्रकला बनाई हुई है। देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई हुई है। अब हम दोस्तों मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। ये है दोस्तों मंदिर के सामने से दिखने वाला व्यू। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। ये है दोस्तों अश्वनी खड्ड का मंदिर। है ना दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट जगह। तो प्लीज दोस्तों, यहाँ का विजिट जरूर जरूर करना दोस्तों।
दोस्तों अश्विन खड्ड का ग्राउंड हरा भरा और बहुत बड़ा है, परंतु दोस्तों इस ग्राउंड के अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। दोस्तों अब हम इसके बाद ले जाएंगे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, वहां पर आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहो। दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर से पहले हम आपको भगवान भोले शंकर जी के शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। ये है दोस्तों भगवान भोले शंकर का शिवलिंग, कितना प्यारा है। जय शिव शंकर। ये है दोस्तों भगवान भोले शंकर की प्रतिमा। यह मां शेरावाली और यह है हरा भरा अश्विन खड्ड का ग्राउंड। यह है दोस्तों नंदी महाराज। जय भोले शंकर। दोस्तों अब हम चलते हैं पंचमुखी हनुमान के मंदिर की तरफ। दोस्तों अश्विन खड्ड में आपको साफ सफाई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यह है दोस्तों श्री राम जी के प्रिय भक्त पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। और यह है दोस्तों अश्विन खड्ड का मंदिर। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है, वाओ अमेजिंग। दोस्तों और ये है दोस्तों अश्विन खड्ड के अंदर का व्यू। दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए चुपके से वीडियो बना ली, तो दोस्तों मेरे इस रिस्क के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।